लखनऊ से खबर है, सीएम योगी करेंगे समीक्षा बैठक। लॉकडाउन कोरोना को लेकर यह समीक्षा बैठक और टीम 11 के अधिकारियों के साथ ही होगी समीक्षा बैठक। थोड़ी देर में लोकभवन में समीक्षा बैठक की शुरुआत होगी। प्रदेश में कोरोना के हालात की जानकारी लेंगे सीएम और लॉकडाउन पार्ट 3.0 में सुचारू की गई कार्य योजनाओं पर होगी चर्चा। सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो करने पर होगा फोकस। वापस लौट रहे श्रमिकों के लिए जरूरी व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की जाएगी। अरेंद्र चौधरी हमारे रेजिडेंट एडिटर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अरेंद्र, बड़ा बदलाव आया है, तीसरी स्टेज आ गई है। तीसरी स्टेज नहीं, यूं कहें कि तीसरा फेज आ गया है 3.0। और आज पहले दिन उसके ये जो बैठक होने जा रही है और बहुत कुछ बदलाव सूबे में आया है, इस बीच इस बैठक में आज क्या कुछ एजेंडा रहेगा? बिल्कुल कुलदीप, देखिए हम सभी जानते हैं कि आज से तीसरे लॉकडाउन की शुरुआत हो रही है। लॉकडाउन 3.0 को लेके जो तमाम जो रियायतें केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस थी और उसके बाद यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कल मुख्य सचिव आर के तिवारी की तरफ से जो दिशा निर्देश जो है सभी जिलों के लिए जारी किए गए, वहां सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए जो तय कार्य योजना है उसके हिसाब से ही वहां पे आम जनमानस को सुविधाएं दी जाए, इसको लेके आज जब कुछ देर बाद 10:30 बजे लोकभवन मुख्यमंत्री कार्यालय में सीएम योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक टीम 11 के अधिकारियों के साथ शुरू होगी। तो इस बात पे खासा जोर दिया जाएगा, भले ही कुछ छूट कुछ रियायतें दी जा रही हैं लॉकडाउन 3.0 में, लेकिन लॉकडाउन के दौरान जो सख्ती जो पिछले 2 बार से लगातार हमने उत्तर प्रदेश में देखी है उसको बरकरार रखने की जरूरत है। उसमें किसी भी तरह की कोई ढिलाई देने की जरूरत नहीं। हालांकि तय शर्तों के साथ में छूटे जो छूट दी गई उनको सुचारू किया जा रहा है और इसके लिए कहीं भी ऐसी तस्वीरें सामने ना आए जो सीधे तौर पर लॉकडाउन का उल्लंघन हो, इस पर जोर दिया जाएगा, इसकी समीक्षा की जाएगी। और इसके अलावा चूंकि लगातार हम अपने दर्शकों को इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि योगी सरकार और यूपी के जो लोग जो श्रमिक हैं जो कामगार हैं जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए और वो जो घर वापस आना चाहते हैं उनको लेके जो कार्य योजना तय की गई है कि जो नोडल अधिकारी हैं अलग अलग राज्यों के लिए नामित किए गए वो उन राज्यों की सरकार से संपर्क करने के बाद उन्हें एक सूची तैयार करके उनको प्रदेश में वापस लाया जा रहा है। हालांकि जैसे केंद्र सरकार की तरफ से एक स्पेशल ट्रेन खासकर ऐसे श्रमिकों के लिए चलाई गई है, उनके जरिए अब इनको उत्तर प्रदेश में लाया जाएगा और जहां यूपी में पहुंचने के बाद उनकी स्वास्थ्य जांच की जाएगी और जिला मुख्यालय पर उनको क्वारंटीन में रखा जाएगा जो अलग अलग संबंधित जो जिले हैं। तो इन सब व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए और समीक्षा आंकड़ों के हिसाब से इनकी समीक्षा करने के लिए यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ अब थोड़ी देर बाद बैठक करेंगे। अरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।